नेशन और मैं हूँ सालफुना आपके साथ। बॉलीवुड के जाने माने चेहरे मनोज बाजपेयी ने सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनके आवास यानी राबड़ी आवास में जाकर देर और शाम मुलाकात की। ये मुलाकात बेहद खास थी। मनोज बाजपेयी बिहार आए हुए थे, जहां पर सबसे पहले पटना में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीधे वो राबड़ी आवास पहुंचे, जहां पर लालू प्रसाद यादव से मिलकर उनसे बातचीत की, उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। राबड़ी आवास से कई तस्वीरें तेजस्वी यादव की तरफ से साझा की गई है जो हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन इन तस्वीरों में एक तस्वीर बेहद खास है। खास इसीलिए क्योंकि इस तस्वीर में जो चीज़ मौजूद है वो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालू यादव के गौशाला की। राबड़ी आवास में एक बहुत बड़ा गौशाला है जहाँ गायों और भैंसों की देखभाल की जाती है, उनकी देखरेख होती है। लालू प्रसाद यादव अपने शुरुआती दौर से ही हमेशा जानवरों के प्रति बेहद सजग रहे हैं, खासकर गायों और भैंसों को लेकर उनके मन में एक अलग स्थान है, एक अलग प्रेम और अपनापन है। और यही वजह है कि लालू परिवार हमेशा गायों के को लेकर हमेशा सजग रहता है। राबड़ी आवास में गौशाला है, तेज प्रताप यादव खुद जानवरों से इतना प्रेम करते हैं, और जब मनोज बाजपेयी ने राबड़ी आवास जाकर मुलाकात की, वो राबड़ी आवास का भ्रमण कर रहे थे, तब लालू यादव ने उन्हें कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम आपको अपने बेहद खास जगह ले चलते हैं। चलिए हम आपको अपना खटाल दिखाते हैं, जहाँ पर हम गायों को रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, और इनकी जो पहचान है वो लालू यादव परिवार से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो गाय है वो लालू यादव परिवार का भी एक अहम हिस्सा है। आपको बताएं कि लालू यादव समुदाय से आते हैं और यादव समुदायों में गायों को बेहद महत्व दिया जाता है, गायों का एक अलग स्थान होता है, और लालू परिवार हमेशा से इन सारी चीज़ों में बेहद आगे रहा है। तस्वीरें देखिए मनोज बाजपेयी और लालू प्रसाद यादव की, कि जब वो खटाल पहुंचे तो लालू यादव उन्हें अपनी गायों के नाम बता रहे थे, वो अपने गायों के बारे में बता रहे थे कि इनकी देखरेख यहाँ कैसे होती है, इनके क्या क्या नाम है। तब मनोज बाजपेयी बड़े ही दिलचस्पी से उनकी बातों को सुन रहे थे, गायों के नाम को रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे जो ये बता रहे थे कि कहाँ कहाँ राबड़ी आवास में क्या कुछ मौजूद है, राबड़ी आवास में क्या कुछ बनाया गया है। मनोज बाजपेयी की बात की जाए तो वो बिहार की माटी के लाल है, बिहार की जड़ों से जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड में उनकी इतनी बड़ी पहचान है, इतनी कम समय में उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिस मुकाम का लोगों के भीतर एक सपना होता है। पद्मश्री से सम्मानित मनोज बाजपेयी बिहार के लाल हैं, और जब आज बिहार वापस लौटे, बिहार में बनी नई महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, तब उन्होंने सबसे पहले लालू यादव से मुलाकात की। लालू परिवार बिहार की का सबसे बड़ा सियासी परिवार है। इतने सालों तक लालू यादव परिवार के पास सत्ता रही, और अब इतने समय के बाद आरजेडी की वापसी सत्ता में हुई है, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, इसकी जो खुशी है वो बिहार में हर तरफ देखने को मिल रही है। तो बिहार का सबसे बड़ा सियासी परिवार एक तरफ, और दूसरी तरफ बॉलीवुड जगत के जाने माने अभिनेता, एक सजग अभिनेता बिहार के लाल मनोज बाजपेयी, जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो लोगों का जो रिएक्शन था वो देखने लायक था। हालांकि ये मुलाकात बेहद पर्सनल थी और कई मायनों में खास थी। खास इसीलिए क्योंकि एक ये पारिवारिक मुलाकात थी, एक अपनत्व से भरा ये मुलाकात था, जहां पर मनोज बाजपेयी भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी से बाहर आज लालू परिवार के साथ सुकून के पल बिताते हुए नजर आए। राबड़ी देवी आवास का उन्होंने भ्रमण किया। गौशाला पर हमने इसीलिए आपको गौर फरमाया क्योंकि लालू यादव के बेहद करीब है, और जब मनोज बाजपेयी वहां पहुंचे तब लालू यादव ने उन्हें अपना गौशाला दिखाया। ऐसा लालू यादव हमेशा करते हैं, जब राबड़ी आवास पे कोई भी खास मेहमान पहुंचता है तो उन्हें
अपना गौशाला जरूर दिखाते हैं। गौशाला की क्या खासियत है, गायों के क्या नाम है, गौशाला की देखरेख कैसे की जाती है और ये गौशाला उनके दिल के कितने करीब है वो हर मेहमान को बताते हैं। यहाँ तक कि CBI को भी उन्होंने अपने राबड़ी आवास का गौशाला दिखाया, तो मनोज वाजपेयी कैसे पीछे रहते। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही, अगली अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।